नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत है। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे यहां शादी है, तो इसलिए मैं आपके फ़ोन नहीं उठा रहा हूं और व्हाट्सअप नहीं देख रहा हूं, और रोज़ वीडियो नहीं आ पाएंगे। देखिए 7 तारीख तक ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, तो वो न्यूज़ आपको देना था, तो मैं दे रहा हूं आपको। और हालांकि ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है, नोडल अधिकारियों के लिए है, लेकिन आपके लिए भी है कुछ, तो आप देख लीजिए कि इसमें एक बोला जा रहा है कि एनुअल एंड सेमेस्टर पद्धति के स्टूडेंट जिनकी अंक सूची में -1 और 0 शो हो रहा है, उसके लिए डीजी द्वारा ये मैसेज भेजे गए हैं जिसको कार्रवाई करना है। तो इसकी मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ और इंग्लिश भी बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि हमने सिस्टम में -1 0 मामले के संबंध में एक समस्या की पहचान की है, ये डीजी जी बोल रहे हैं। वर्तमान में -1 और 0 द्वितीय वर्ष और 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में केवल दिखाई दे रहे हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का पहला वर्ष जहां -1 और 0 के मामले में नोडल आईटीआई में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, यह समस्या कल शाम तक सुलझ जाएगी, जिससे आप 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और प्रथम वर्ष भी देख सकेंगे। हमने ईडी प्रैक्टिकल के अंकों के सेमेस्टर केस के -1 0 मामले के साथ में नोडल आईटीआई से भी सक्षम किया है। इसके अलावा ये मामले स्टेट डायरेक्टर द्वारा भी अस्वीकृत के रूप में दिखाई देंगे, इसलिए ताज़ा प्रविष्ट के बजाय 1 -0 के ईडी प्रैक्टिकल के अंकों को अपडेट करने के लिए संसाधित करें और विकल्प का उपयोग करें। विवरण के लिए NCVT MIS पोर्टल पर सार्वजनिक पोर्टल में उपयोगकर्ता पुस्तिका देख लें। अगर आपको इसमें कोई वो है तो जो NCVT MIS पोर्टल में एक इनकी उपयोगकर्ता की पुस्तक लोड है, उसको देख करके कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नोडल अधिकारियों के लिए, स्टेट के लिए बोला गया है, आपके लिए नहीं बोला गया है। लेकिन इसमें है क्या कि सेमेस्टर वाले भी, ईयरली वाले भी जो बच्चे हैं उनको भी बोल रहे हैं कि जिनका -1 और 0 शो हो रहा है, जिनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का है। ये मैंने बार बार मुद्दा उठाया हूँ, तो इन मुद्दों को सरकार मेरे को बता रही है कि देखिए अब मैं ये कर रहा हूँ। तो आज शाम से पोर्टल पे लड़के दिखने लगेंगे जो लड़के पहले नहीं दिख रहे थे। तो जो -1 वाले हैं या 0 वाले हैं तो उनका रिजल्ट अपडेट होना चालू हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल, क्या होता है कि हम न्यूज़ बताते हैं और आप लोग तुरंत जो है तो उसका जवाब मांगने लगते हो कि सर कब होगा, कितने बजे होगा। क्या होता है कि स्टेट डायरेक्टर नोडल करेगा, स्टेट डायरेक्टर करेंगे, इसके बाद NCVT करेगा, इसके बाद जो है तो वो विप्रो के पास जाती है। तो ये एक प्रोसेस लग सकता है। हमसे बोला गया था कि 10-12 दिन के अंदर हम सारी चीज़ें कर लेंगे, तो 10 तारीख तक मैं मान के चल रहा हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है तो आपकी ये हट जाएगी, जिनके डेटा नहीं शो हो रहे थे, -1 और 0 हो रहे थे। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक एक करके आपके सारे मुद्दे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। डीजी, दूसरी बात मैं बता दूँ कि इन सारे मुद्दों को डीजी ने संज्ञान लिया है। संज्ञान का मतलब होता है कि डीजी इसका रोज़ रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या काम हो गया है, क्या नहीं काम हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बार बार डीजी कह रहे हैं कि स्टूडेंट परेशान ना हो, हमको थोड़ा टाइम दे दें। क्या है कि जब तक डीजी को नहीं समझ में आता ना, तब तक वो कुछ नहीं, अफसर कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं, कोई कुछ भी कहता है। डीजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कोई चीज़ उनके सामने रखता हूँ तो हमको सबूत और प्रूफ रखने पड़ते हैं, और वो सबूत प्रूफ हम आपके कई बार अपने अनुभव से और कई बार जो आप YouTube पे हमसे सवाल पूछते हो उन सवालों के बारे में जो रहता है तो वो मैं भेजता हूँ कि सर ये सवाल इन्होंने पूछा, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर के जो 2018-20 के बच्चे हैं जिनका ईडी प्रैक्टिकल में रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो वो एक बचा है। देखिए सेमेस्टर सिस्टम वाले दो, जो 14 से 17 तक वाले हो जिसका माइनस शो हो रहा था या 0 शो हो रहा था, अब इसके बाद जो है तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी, कौन फेल है, कौन पास है, कौन क्वालिफाई है, कौन नॉन क्वालिफाई है, तो किसका सप्लीमेंट एग्ज़ाम करना है, किनका सप्लीमेंट एग्ज़ाम नहीं करना है, किनका एग्ज़ाम करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है तो आपकी कुछ ही दिन में पता चल जाएगी न्यूज में। हाँ, एक चीज़ बोल रहा हूँ, 7 तारीख तक हमारी शादी है, हमारे यहाँ शादी है, यूपी में है, हम MP से हट करके आए हैं, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही, शादी का माहौल है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, लाइट की है,
और मैं अब स्टूडियो में नहीं हूँ तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। तो रोज़ आपके वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आज आ गया है, कल ज़रूरी नहीं है कि ना आए, हो सकता है कि परसों आए या नर्सों आए। अब जब न्यूज आएगी तभी आपके मैं वीडियो रिलीज करूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं अभी वीडियो 7 तारीख तक, आप लोग ये समझिए कि 7 तारीख के बाद ही आपको मैं वीडियो रिलीज होगा, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ हमारे पास आती चली जाएगी तैसे तैसे मैं आपको जो है तो समाचार देते रहूँगा, न्यूज़ देते रहूँगा। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जिनकी अभी भी जो प्रॉब्लम है, तो भाई व्हाट्सएप पे हमसे सिर्फ आप सवाल पूछिए, जो सवाल को मैं डीजी तक रखता हूँ, और बाकी जो है तो आप यूट्यूब पर सवाल रखिए। फ़ोन उठाना और व्हाट्सएप पर जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इस समय पर शादी में मैं पहले नहीं आया था, तो बहुत सारी हमारे घर में भी दिक्कतें हुई, तो मेरे को थोड़ा सा घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, तो इसलिए अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से कि रोज़ वीडियो मैं अभी नहीं डाल पाऊँगा, शादी है तो जैसे मैं भोपाल आऊँगा तो वीडियो डालूँगा। और आप लोग अपना बेशक अभी फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, यहाँ काम रहता है तो हम फ़ोन ले करके नहीं घूमते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं देख पाते हैं, हम रात में ही देख पाते हैं। तो जितने सवाल थे आपके हम वो भेज चुके हैं, आज जो 10:30 बजे तक में, लगभग 11 बज रहे हैं, मैं अभी शूटिंग चालू किया हूँ, तो 10:30 बजे तक में हमारे पास न्यूज़ आ गई थी, तो न्यूज़ के लिए वीडियो बनाना था। तो इस तक जितने भर आपके सवाल थे वो सवाल मैंने भेज दिया। और आपके जो सवाल होते हैं ना, कम से कम आप 10 दिन तक रुका करो, आपके वीडियो में ही न्यूज़ आएगी, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं वीडियो में ही देता हूँ, तो वीडियो में ही जवाब आएंगे, बाकी जगह पे नहीं आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, जैसे ही न्यूज़ आएगी तो मैं आपको फिर से समाचार दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।